सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैसी। भदोही जिले की खबरों में क्या कुछ है, आज देखिए हमारे साथ। 24 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ज्ञानपुर स्थित जीआईसी मैदान में आगमन हुआ था। आगमन को लेकर भव्य मंच के साथ बड़ा टेंट लगाया गया था, लेकिन अब इस टेंट व मंच के सामानों पर चोरों की नजर पड़ गई है। मैदान के सामने पुलिस लाइन तथा पीछे बड़ी संख्या में पीएसी बल रहती है। बावजूद हौसला बुलंद चोर मुख्यमंत्री के मंच व टेंट का सामान उड़ा रहे हैं। इस वारदात से टेंट के श्रमिक भी परेशान हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मंच पर लगी स्टील की रेलिंग का कुछ हिस्सा चोर उठा ले गए हैं। इसी तरह कुर्सी, मैट व अन्य सामान गायब होने की बात बताई गई है। चोरी की वारदात के बाद आभूषण व्यापारी सत्यम वर्मा सदमे में है। चोरी में सब कुछ चले जाने के बाद आभूषण व्यवसायी ने अपनी जिंदगी ही खत्म कर लेने का फैसला ले लिया था। आभूषण व्यवसायी कोई पदार्थ खाकर अपनी इहलीला खत्म करने की ठान ली थी। हालांकि परिजन आनन फानन में उसे अस्पताल ले आए। आपको बता दें कि दो दिन पूर्व ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के लखनऊ मोड़ के समीप सत्यम वर्मा नामक आभूषण व्यापारी की दुकान में चोरों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया था। चोरी से आभूषण व्यवसायी का सब कुछ खत्म हो गया था, जिससे वह सदमे में था। उधर आभूषण व्यवसायी सत्यम वर्मा का आरोप है कि चोरी के मामले में शक के आधार पर पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए उठाया भी था, जिससे सत्यम वर्मा को कुछ लोग धमकी दे रहे थे, जिससे वह बेहद परेशान हो गया था। बुधवार की दोपहर ज्ञानपुर स्थित कलेक्ट्रेट जिला मुख्यालय पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब विकास भवन में तैनात एक लिपिक की स्कूटी में भारी भरकम सांप घुस गया। भगदड़ होने पर कलेक्ट्रेट पर तैनात सुरक्षा कर्मी भी सतर्क हो गए। दरअसल विकास भवन में तैनात रणविजय नामक एक लिपिक अपनी स्कूटी से जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा था। स्कूटी को बाहर खड़ा कर कलेक्ट्रेट के अंदर गया। जब काम निपटा कर बाहर आया और स्कूटी स्टार्ट करने लगा तो स्कूटी में एक भारी भरकम सांप दिखा। लिपिक स्कूटी छोड़कर चिल्लाते हुए भाग खड़ा हुआ। लिपिक को चिल्लाता देख तैनात सुरक्षा कर्मी सतर्क हो गए, जहां ज्ञानपुर के पुरानी बाजार से एक सपेरे को बुलाकर सांप को निकाला गया। विंध्याचल से दर्शन कर लौट रहे भदोही के इंदिरा मिल स्थित जीवनदीप हॉस्पिटल के डॉक्टर एके गुप्ता व उनके सहयोगी पर औराई में अज्ञात बाइक सवारों ने हमला किया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इस संबंध में जीवनदीप हॉस्पिटल के स्टाफ विवेक कुमार ओझा ने औराई पुलिस में तहरीर देते हुए बताया कि वह बुधवार को कार से डॉक्टर एके गुप्ता के साथ दर्शन कर लौट रहा था, तभी माधो सिंह रेलवे क्रॉसिंग से एक बाइक पर सवार दो लोगों ने पीछा किया और औराई चौराहे पर पहुंचते पहुंचते बाइक सवार कार के आगे आ गए और कार खड़ी होते ही डॉक्टर के साथ मारपीट करने लगे। उसके बाद अज्ञात बाइक चालक फरार हो गए। तहरीर लेने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। भदोही कोतवाली के पीछे मोहल्ला जलालपुर में शौचालय का पानी बहाए जाने का विरोध करने पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिलाओं सहित एक व्यक्ति को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया है। इस संबंध में अभय यादव ने भदोही कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि मोहल्ले में एक व्यक्ति द्वारा शौचालय का गंदा पानी बहाया जा रहा था। विरोध करने पर इम्तियाज चांदबाबू व पिंटू ने मारा पीटा है तथा घर के बाहर खड़ी बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया है। मारपीट में जमकर पथराव हुआ है। इस मारपीट में शकुंतला देवी, प्रीति, प्रिया व ज्योति को जहां मामूली चोटें आई हैं, जबकि रामलाल यादव को गंभीर चोटें आई हैं। मारपीट की सूचना पर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई थी। घायलों को MBS अस्पताल लाया गया, जहां रामलाल की हालत गंभीर होने पर उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। हालांकि इस मामले में दूसरा पक्ष मीडिया को कोई भी जानकारी देने से कतराता रहा और कहासुनी करने पर उतारू हो गया था। बुधवार को जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की दिशा बैठक में सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद ने अधिकारियों को चेताया है। कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुए इस बैठक में सांसद ने कहा कि बदहाल सड़कों को दुरुस्त किया जाए, गांव की पेयजल व्यवस्था को सुधारा जाए, अगर नल में टोटी नहीं है तो उसे दुरुस्त कराया जाए,
राशन कार्ड दुरुस्त कराए जाने का अधिकारियों को सांसद ने निर्देश दिया है। राज्य की नलकूपों को बेहतर ढंग से सुधारने का सांसद ने निर्देश दिया है। कहा कि ऐसे निरीह गरीब जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर राशन कार्ड बनवाया जाए। उन्होंने सीएमओ को चेताया है कि जनपद के अस्पतालों में तैनात सरकारी चिकित्सक समय से मौजूद रहें, समय से अस्पताल न पहुंचने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिजली विभाग के अधिकारियों को भी सांसद ने चेताया है। कहा कि ओवर बिलिंग कतई न होने पाए। बैठक में डीएम आरका अखौरी सहित जिले के तमाम अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के कंसापुर के समीप बुधवार की सुबह एक स्कूटी पर सवार होकर तीन छात्राएं कोचिंग से लौट रही थीं। तभी अचानक एक साइकिल सवार सामने आ गया, अनियंत्रित होकर स्कूटी पलट गई, जिसमें अजयपुर गांव की निवासी अरुण कुमार की 15 वर्षीय पुत्री आराधना, कंसापुर निवासी दिनेश चंद की 14 वर्षीय पुत्री खुशी सहित आकांक्षा नामक छात्रा घायल हो गई। तीनों छात्राएं सड़क पर घायल होकर पड़ी थी। तभी उधर से गुजर रहे बच्चेलाल गौतम नामक एक राहगीर सभी छात्राओं को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले गया। परिजनों के आने तक राहगीर अस्पताल में ही मौजूद होकर छात्राओं की देखरेख करता रहा। तीनों छात्राएं देवनाथपुर लक्ष्मण पट्टी से कोचिंग पढ़कर घर की ओर लौट रही थी, तभी यह हादसा हुआ है। औराई थाना इलाके के महाराजगंज में विद्युत पोल की जद में आकर जग विजय प्रजापति नामक एक 38 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक मिर्जापुर के देहात कोतवाली का निवासी बताया गया है। वह अपनी पत्नी मीरा देवी को लेकर महाराजगंज में एक दंत चिकित्सक के पास आया था, जहां इलाके के बनौली गाँव के समीप यह हादसा हुआ है। मौत से परिजन भी हैरान व परेशान है। जग विजय प्रजापति बेहद गरीब था तथा दाना भूजकर परिवार चलाता था। आशंका जताई जा रही है कि पोल में विद्युत प्रवाहित हो रही थी, जिससे यह हादसा हुआ है। अपनी पत्नी को साइकिल से लेकर वह महाराजगंज पहुंचा था और आई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर पत्नी व परिजनों के अन्य सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। भदोही कोतवाली इलाके के सरोही बाजार में पुरानी रंजिश को लेकर एक ही परिवार के तीन सदस्यों को मारपीट कर घायल कर दिया गया है। सभी घायलों का उपचार महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में कराया गया है। इस संबंध में देवी प्रसाद हलवाई ने भदोही कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया है कि इलाके के ही खदेरन साव, गोलू धर्मेंद्र सुशील आदि लोग पुरानी रंजिश को लेकर उसे गाली गलौज दे रहे थे। विरोध करने पर मारने पीटने लगे। बीच बचाव के लिए जब उसका लड़का सोनू हलवाई व बहू खुशबू देवी आई तो उसे भी विपक्षियों ने मारा पीटा है, जिससे उन्हें चोटें आई हैं। मारपीट से इलाके में अफरा तफरी मची रही। नगर पालिका परिषद गोपीगंज सरकार के स्वच्छता अभियान को पलीता लगा रहा है। पूरी तरह भाजपा सरकार को बदनाम करने में नगर पालिका परिषद गोपीगंज उतर आया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत केंद्र व प्रदेश सरकार ने पानी की तरह पैसे बहाए, लेकिन इस तस्वीर को देखिए, यह हालात बस से बदतर है। यह दृश्य गोपीगंज नगर पालिका परिषद के जोगीवीर तालाब का है। यहाँ कूड़े का अंबार लगा है। कूड़े से उठ रही बदबू से रहवासियों का जीना दुश्वार हो गया है। तालाब की सुंदरता को भी पलीता लगाया जा रहा है। भीषण गंदगी के चलते इलाके में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है तथा आसपास के लोगों में संक्रमण बीमारी बढ़ने का भी भय सता रहा है। नाराज इलाकेवासी नगर पालिका परिषद गोपीगंज को कोस रहे हैं। औराई विकासखंड के कुरौना ग्राम सभा के सामुदायिक शौचालय की महिला केयर टेकर गुंजा कुमारी ने खंड विकास अधिकारी औराई को एक पत्र देते हुए गुहार लगाई है। कहा कि ग्राम सभा के हरजन बस्ती में सामुदायिक शौचालय के निर्माण के दौरान उसने अपनी भूमि दी थी। पूर्व प्रधान ने सामुदायिक शौचालय पर उसे केयर टेकर के रूप में रखा था, जिससे उसके परिवार की रोजी रोटी चलती थी। गुंजा कुमारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि नव निर्वाचित ग्राम प्रधान सना पत्नी इश्तियाक अंसारी ने दूसरे केयर टेकर को सामुदायिक शौचालय पर रख दिया है, जिससे उसके परिवार के सामने भरण पोषण की समस्या खड़ी हो गई है। गुंजा कुमारी ने पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। भदोही शहर के स्टेशन रोड पोस्ट ऑफिस के समीप दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई है। हादसे में सूर्यावा के गजधरा पाली निवासी सुरेंद्र उपाध्याय गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि भदोही की एक कंपनी में रिकवरी एजेंट के रूप में सुरेंद्र उपाध्याय काम करते थे। भदोही से सुरेंद्र उपाध्याय अपने घर गजधरा पाली जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ है।
गंभीर रूप से घायल सुरेंद्र उपाध्याय को लोगों ने महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया। सूचना पर परिजन भी अस्पताल में पहुंच गए थे। हादसे के बाद दूसरा बाइक चालक फरार हो गया था। दीपावली धनतेरस जैसे सीजनी त्यौहार को देखते हुए गोपीगंज कोतवाल अभिनव वर्मा ने इलाके के आभूषण व्यापारियों के साथ बैठक की है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम सावधानियां बरतने का निर्देश दिया है। बैठक में स्वर्णकार संघ के पदाधिकारी व संगठन से जुड़े लोग मौजूद थे। कोतवाल ने कहा कि सभी आभूषण व्यापारी अपने अपने दुकानों में CCTV कैमरा अवश्य लगवाएं। खासकर गोपीगंज इलाके के दुर्गा गली के आभूषण व्यापारियों से अपील की गई है कि वह अपनी अपनी दुकानों के सामने बाइक न खड़ी करने दें। इससे रास्ता बाधित होता है और सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। कोतवाल अभिनव वर्मा ने कहा कि कोई भी संदिग्ध दिखे तो तत्काल कोतवाली पुलिस को सूचित करें। इस मौके पर बृजलाल सेठ, भरत सेठ, मनोज सेठ, अंकित सोनी आदि मौजूद रहे। सूर्यामा इलाके के मनापुर में एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ एक व्यक्ति ने मुंह काला किया था। हालांकि इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन पीड़ित परिवार ने बुधवार को DM दरबार पहुंचकर बेहतर इलाज के लिए गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि वह मुसहर समाज के हैं, जिससे उनके सामने मुकदमे की पैरवी व पीड़ित बच्ची के इलाज के लिए धन नहीं है। ऐसे में जिलाधिकारी को पत्र सौंपते हुए मासूम बच्ची के परिवार वालों ने बेहतर इलाज के लिए गुहार लगाई है। निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देश पर जिला सेवायोजन कार्यालय भदोही द्वारा जनपद के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मेला लगाने जा रहा है। इस संबंध में जिला सेवायोजन अधिकारी ने बताया कि निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन लखनऊ के निर्देश पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए 30 अक्टूबर को रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। पुरानी कलेक्ट्रेट परिसर में सुबह 10 बजे से रोजगार मेले का आयोजन होगा। इसमें प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी सेवा योजन के पोर्टल पर ऑनलाइन अपना पंजीयन कराएंगे। रोजगार मेले में कई कंपनियों के अधिकारी युवाओं को चयनित करने के लिए शामिल होंगे। कहा कि साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी बायोडाटा, मूल प्रमाण पत्र, निर्वाचन कार्ड की छाया प्रति व फोटो अपने पास जरूर रखें। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राजेश कुमार दुबे ने बुधवार को किसानों सहित पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपा है। कहा कि जिस गांव से होकर मुरवा नदी गुजरी है, उस गांव के किसान बेहद परेशान हैं। खेत में जल जमा होने के कारण धान की फसलें नहीं कट पा रही हैं। आगे गेहूं की बुआई होनी है, ऐसे में किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पत्र सौंपते हुए मुरवा नदी की सफाई कराकर जल जमाव से किसानों को छुटकारा दिलाए जाने की कांग्रेस कमेटी ने मांग की है। इस मौके पर रामधनी पांडे, भानु प्रताप बिंद, रमेश अनिल कुमार आदि मौजूद रहे। आरिफ सिद्दीकी को समाजवादी पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किए जाने पर बुधवार को हिंदू बहनों ने उन्हें बधाई दी है। समाज सेवी अनीता गुप्ता के नेतृत्व में पचभैया स्थित आरिफ सिद्दीकी के आवास पर दर्जनों की संख्या में पहुंची महिलाओं ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आरिफ सिद्दीकी को बुके भेंट कर बधाई दी है। इस दौरान बधाई देने पहुंची बहनों ने उनका मुंह भी मीठा कराया है। मौजूद बहनों ने सपा मुखिया अखिलेश यादव से मांग की है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसे व्यक्ति को भदोही विधानसभा से टिकट दें जो इस सीट को जीतकर भदोही की सेवा कर सके। इस मौके पर रुकमणि जायसवाल, अन्नपूर्णा मदनवाल, प्रभावती स्वर्णकार, उजाला सेठ आदि बहनें मौजूद रहीं। सूर्यामा इलाके के सराय रुद्दी गांव की सरकारी भूमि पर खुलेआम बड़े पैमाने पर कब्जा किया जा रहा है। बुधवार को राजमणि, रमाशंकर, अजय कुमार सहित दर्जनों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को एक पत्र देते हुए सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पत्र देते हुए ग्रामीणों ने कहा कि सराय रुद्दी के प्राथमिक विद्यालय खेल के मैदान मेले की भूमि पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। विरोध करने पर कब्जेधारी गाली गलौज दे रहे हैं। शिकायतकर्ताओं ने पत्र देते हुए मामले की जांच कराकर सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को मुक्त कराए जाने की मांग की है। डीग विकासखंड सभागार में श्रम विभाग द्वारा कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में 16 वर्ष से 59 वर्ष तक के व्यक्तियों का ई श्रम कार्ड बनाया जा रहा है। इस संबंध में श्रम विभाग के इंद्रजीत तिवारी ने बताया कि कार्ड एक लाभ अनेक हैं। कुछ शर्तों के साथ बनाए जा रहे ई श्रम कार्ड से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना तथा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित
अन्य योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है। ई श्रम कार्ड के दायरे में नाई, धोबी, मोची, लोहार, बढ़ई, रिक्शा पल्लेदार, ठेला चाट वाले, साइबर कैफे, जन सेवा केंद्र संचालक जैसे छोटे दुकानदार आते हैं। कहा कि अधिक जानकारी के लिए ज्ञानपुर श्रम विभाग कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है। गोपीगंज नगर में सड़क पर खड़े बेतरतीब वाहन नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बने रहते हैं। इससे अतिक्रमण व जाम की स्थिति भी बनी रहती है। इस बात की शिकायत अक्सर नगर के व्यापारी डीएम व एसपी से करते रहते हैं। व्यापारियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एसपी के निर्देश पर बुधवार को यातायात प्रभारी शशिकांत यादव ने नगर में बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान सदर मोहाल, अंजनी मोहाल, खड़हट्टी मोहाल में बेतरतीब ढंग से खड़े दो व चार पहिया वाहनों का चालान किया गया। वहीं बगैर हेलमेट, तीन सवारी व बगैर लाइसेंस के चल रहे वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की गई। इस दौरान कुल 111 वाहनों का चालान किया गया है। वाहन चेकिंग अभियान से नगर में अफरा तफरी मची रही। अपने आसपास की खबरों को चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाएं। अगर आपके पास है कोई भ्रष्टाचार से संबंधित खबर तो आप हमारे सिटी कार्यालय बाजार सरदार खान चौरी रोड भदोही में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताजा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।